हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राजाशाद और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। दिसंबर 2019 को चाइना के एक सिटी वुहान में देखा गया कि वहाँ बहुत ज़्यादा नमूनिया के केसेस बढ़ गए और एक ऐसा वायरस सामने आया जिससे पहले लोग वाकिफ नहीं थे। डॉक्टर्स को पता नहीं था कि ये कौन सा वायरस है जिससे ये लोग इफेक्ट हुए, और ये वायरस था नोवेल कोरोना वायरस, जो चाइना में फर्स्ट जो है वो ज़ाहिर हुआ। कोरोना वायरस है क्या? फर्स्ट चीज़ ये, कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक वायरस की बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें नोवेल कोरोना वायरस भी एक वायरस है, और इसको कोरोना वायरस, इसकी जो क्राउन अपीयरेंस है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा। अब ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ केसेस में जो साइन सिम्टम्स बहुत इतने माइल्ड होते हैं, जिसमें फीवर हो गया, कफ हो गया, सिनिजिंग हो गया, ठीक, सॉर थ्रोट हो गया, और किसी में जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं सिम्टम्स, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये जो है ये डेंजरस है। तो अब ये है कि ये फर्स्ट आइडेंटिफाई कब हुआ? जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये चाइना में ही फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इससे पहले जो इसकी दो क्लासेस हैं वो 2003 और 2012 में ये ज़ाहिर हो चुकी है, बट ये पूरी दुनिया के लिए एक न्यू वायरस है। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस फैला कहाँ से? अब इसकी तो एग्जैक्ट कोई फिगर पता नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि वो सी फूड मार्केट या लाइव जो एनिमल्स हैं उनकी जो मार्केट है वहाँ से ये वायरस वुहान सिटी में फैला, और फिर वहाँ से इन्फेक्टेड ह्यूमन से फिर उसके रिलेटिव तक गया, फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनमें ये फैलता गया, और उनको नमूनिया के उसमें सिम्टम्स ये ज़ाहिर होते गए और ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। नोवेल कोरोना वायरस ये एक्चुअली फैला कैसे, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ये हो सकता है ये रॉ मीट या जो है जो सी फूड है उससे ये फैला हो, बट इसकी एग्जैक्ट अभी तक कोई फिगर हमें पता नहीं है। अब ये है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसका ट्रांसमिशन का जो अभी तक जो रीज़न सामने आया है वो है थ्रू ड्रॉपलेट्स, मींस अगर कोई भी आपके फेस पे खांसा है इन्फेक्टेड वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। आप बच कैसे सकते हैं? अब ये है कि हम उससे बच कैसे सकते हैं, बचने के लिए ये है कि आप अपनी हाइजीन सही रखें, कंटिन्यूस हैंड वॉश करें, आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो खुद को आइसोलेट करें, रूम में आप खुद को जो है आइसोलेशन रूम में आप खुद को रखें, या जो बंदा इन्फेक्टेड है उसे आप दूरी रखें। अगर आपको आप इन्फेक्टेड हैं तो आप मास्क का यूज़ करें, आप जो है अपने माउथ को जो है वो कवर करें जिससे वो ड्रॉपलेट्स वहाँ लोगों तक ना फैलें। अगर कोई टिश्यू इन्फेक्टेड है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको सही से डिस्कार्ड कर दें जिससे वो इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैलें। ऐसा नहीं है कि हर कोरोना वायरस केस में डेथ होती है, ओनली 2% केसेस में ही डेथ होती है, जिसमें ओल्ड एज होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं और डायबिटिक होते हैं। बाकी जो केसेस होते हैं वो क्योर हो जाते हैं अगर सही तरीके से एहतियाती तदाबीर की जाएं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? इसकी डायग्नोसिस के लिए PCR टेस्ट है, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन एक टेस्ट है, उसके थ्रू इसकी डायग्नोस हो सकती है, जिससे पता चलता है ये वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन बनी है, बट इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है सिर्फ केयर, और हम एहतियात करें जिससे हम इसके फैलने से हम इसको रोक सकते हैं। और लास्ट में ये चीज़ है कि अगर आपको कफ, सॉर थ्रोट, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग है, सीवियर नमूनिया वगैरह है, तो आप काइंडली डॉक्टर से रिव्यू करें, खुद से कोई मेडिसन्स ना लें, एंटीबायोटिक अवॉइड करें खुद से लेने के लिए, क्योंकि ये वायरल है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है, और आप डॉक्टर से रिव्यू करें और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप लें, और ख़ुद को फिर आइसोलेट करें अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। और इसमें से अभी जो नॉलेज है उसमें यह है कि आप एहतियात करें, और एहतियात ही बेहतर है, और जैसे जैसे नॉलेज आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी
ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या। और अभी इस पर काम चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा नॉलेज आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप टीवी चैनल्स देखते रहें, आप न्यूज़ अपडेट्स देखते रहें, मुख्तलिफ ये साइट्स जो है इंटरनेशनल मेडिकल वो देखते रहें, तो उसमें अपडेटेड नॉलेज आती रहेगी कि कोई भी होम रेमेडी, एक्स्ट्रा स्मोकिंग या एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए प्लीज़ इससे आप अवॉइड करें। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आप कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।